बख्तियारपुर प्रखंड के डोमा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि अरुण कुमार। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पंचायत में काफ़ी संघर्ष के बाद पंचायती राज चुनाव मुखिया का चुनाव उनके प्रत्याशी जीत चुके हैं। हम इनसे जानना चाहें सर, आपके प्रत्याशी मुखिया का चुनाव जीत गए हैं, इसलिए आप क्या पंचायत वासियों को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने डोमा पंचायत के 9300 मतदाता बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रत्याशी प्रफुल्ल कुमार को एक छाप पर मुहर लगाकर भारी बहुमत से मुखिया बनाने का काट किया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि अपने पंचायत की जनता को धन्यवाद। सर, इसका श्रेय किन्हें देना चाहिए, जीत का श्रेय? अरे ये तो साफ है कि जीत का श्रेय जनता का है, जनता जनार्दन है और उन्होंने बहुमत के साथ वोट दिया तो जीत का श्रेय हमको मिल जाएगा, उन्हीं को आप जनता को देना, जनता को देना। आप सर जीत के बाद सबसे पहला बातें हैं कि आप कुछ बिंदु, इस बिंदु पे आप विशेष रूप में काम करेंगे, तो दो चार बिंदु सर हम लोग जनता जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमारा बिहार सरकार का इस काम पर फोकस, जैसे जल जीवन हरियाली, गली गली, सबसे पहले हम इसी को कदम, जल जीवन हरियाली गली गली नली, जो 7 योजना 1 था और 2 की ओर आपका अग्रसर किया, सबसे पहले मेरा आपके सर, आपकी पंचायत काफ़ी डेवलप पंचायत पहले से रहा है, ऐसा नहीं कि मुखिया के लिए है, तो उस पंचायत में अभी भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। तो दो तरह के बेरोजगार, एक है अशिक्षित बेरोजगार, एक शिक्षित बेरोजगार, तो दोनों के लिए आपके नज़र में सर क्या है? देखिए, अशिक्षित बेरोजगार जो है हम उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारी क्षमता है हम रोकने का प्रयास करेंगे नरेगा के माध्यम से, और भी गली नली का जो काम होगा उतने लोगों को रोजगार देंगे, कितना रुकेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अशिक्षित मजदूरों को रोजगार मिले। इस पर एक लाइन हम बोलना चाहते हैं कि नरेगा में खाना पूरी होता है, माने मुखिया जी लोग अपना जेबी में सब कुछ रखे और नरेगा का काम, इसमें हम सुधार ला पाएंगे 50% लाएंगे कि 100% लाएंगे, लेकिन इस काम में भी हम सुधार लाएंगे, उसको भी जमीन पर हम लाएंगे कि नरेगा में मजदूरों की भी आवश्यकता है, ये नहीं है कि मुखिया जी पॉकेटे में रख के नरेगा चला रहे हैं, ये काम नहीं होगा। यानी कि जो उनके हकदार जो हैं, हाँ, उनको हक आप देने का काम करेंगे। अब रहा शिक्षित बेरोजगारों, तो शिक्षित बेरोजगारों को जो सरकार की स्कीमें, छोटा छोटा स्कीम जो है कि भाई महिलाओं के लिए सिलाई मशीन का प्रशिक्षण, पुरुष के लिए मछली पालन, पशुपालन, ये सब पर हमारी सरकार की तरफ से पूरा फोकस, पैसे की कोई कमी नहीं। मुखिया जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो तो मैंने इंदिरा आवास के 20,000 में अपना डूबे हुए हैं कि अपन सीधे के सीधे माल आ रहा है। तो हम है जो कि वास्तव में जो बिहार सरकार की योजना है शिक्षित बेरोजगारों की, उसको जागृत करेंगे, संसद तक पहुँचाएंगे, फैलाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। यानी कि जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं, 7 योजना 1 खत्म हुआ, 7 योजना 2, उसको धरातल पर आप लाने का, हाँ, जितना हमारे पास क्षमता है, हम ये नहीं कहेंगे हम पूरे बिहार को सुधार देंगे, लेकिन अपने पंचायत को निश्चित सुधार देंगे। सर, आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आखिरी में, चूँकि जीत का शुभकामना भी देना है, तो आप उनको जो है जो संदेश देना चाहते हैं सर, आप पंचायत वासियों से हम घूमने के क्रम में बोला है, पंचायत के अलावा बहुत सारे लोग, हाँ, मैं पहले भी बताया कि आप पंचायत की नेता नहीं है, पूरे जिला का नेता, हमने अपने पंचायत वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने 5 के कार्यकालों में एक नया डोमा बनाएंगे। क्या सर, आपके समय में आदर्श पंचायत बन पाएगी है? बिल्कुल, कहीं इसमें लेकिन किंतु परंतु रहेगा ही नहीं,
यानी कि अपने पंचायत को आदर्श पंचायत की ओर आप ले जाना, निश्चित ले जाना। तो आप देख रहे हैं प्रतिनिधि अरुण कुमार जी हमारे बीच है और अपने पंचायत को अब नया पंचायत, नया सवेरा के रूप में और आदर्श पंचायत की तरफ अपने इशारा कर रहे हैं और उनको ले जाने का प्रयास।